हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो इट्स 12:47 राइट नाउ एंड आई एम स्टार्ट माय डे. सो टुडे वाज 15 ऑफ नवंबर एंड आई एम स्टार्ट माय डे वेरी लेट. एक्चुअली ना मॉर्निंग में मेरी नींद खुली नहीं, और पता नहीं क्या हो रहा है दो तीन दिनों से कि मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में स्टार्ट करूँ जल्दी स्टडी करना, बट वो हो ही नहीं पाता. मतलब कुछ ना कुछ काम हो जाता है या फिर मैं मम्मी से बातें करने लग जाती हूँ, थोड़ा बहुत जो काम होता है ना वो हो जाता है. अभी घर की सफाई भी चल रही थी सो वो पॉसिबल नहीं हो पाया. तो फिर मैं 12:47 पे अब फिर मैंने सोचा कि अब बैठ ही रहे हैं तो पहले खाना खाकर नहा कर ही बैठता है ताकि बार बार उठना ना पड़े. तो फिर मैंने लंच भी कर लिया, नहा भी लिया एंड देन मैं स्टडी करने बैठी. वेल आज मैं सोच रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कम्प्लीट करूँगी, लेक्चर्स कम्प्लीट करूँगी. वेल देन सी, होप देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है. सो आई स्टार्ट माई डे विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि बेसिक में सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग्स कर रही हूँ. विपिन सर ने भी यही बोला था कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो. जितना ज़्यादा टाइम अपने बेसिक चैप्टर्स को आप दोगे उतना ही कम टाइम आपको दूसरे चैप्टर्स को देना पड़ेगा. और बेसिक चैप्टर और दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन हम करें ना तो बेसिक चैप्टर्स ज़्यादा कम है, वरना फिर पूरा सिलेबस हमारा उसी के ऊपर टिका होगा. अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किया हमने तो फिर तो गए हम. तो मैंने सबसे पहले अपने जो बेसिक में मेरा एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रह गया था एंड एनिमल किंगडम था, तो मैंने इन दो चैप्टर को कम्प्लीट करने का सोचा. दोनों ही लेक्चर काफ़ी लेंथी थे, लॉन्ग टाइमिंग थे, बट या एट द सेम पॉइंट अगर मैं किसी बैच से इस चैप्टर को कम्प्लीट करती हूँ तो मैं भी 3 to 4 डेज मुझे लगेंगे. मतलब काफ़ी लेंथी लेक्चर्स होते हैं इसके. बट लास्ट टाइम क्योंकि मैं कम्प्लीट कर चुकी हूँ लेक्चर्स को, मैं इस बार सिर्फ और शॉर्ट नोट से पढ़ रही हूँ. सो बेसिकली इस बार मैं पूरा ना अपने बायोलॉजी के बारे में बताती हूँ आपको कि आज की मैं पूरी बायोलॉजी के स्टेप से कम्प्लीट कर रही हूँ अपनी. सो अभी जैसे कि मैं एक लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, अब मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स भी अवेलेबल हैं. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले फर्स्टली आई एम रीडिंग फुल एनसीईआरटी. ओके, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा, देन आई स्टार्ट लेक्चर. उसके बाद मैं लेक्चर कम देखती हूँ वन शॉट. बायोलॉजी के लिए मैं जितने भी चैप्टर्स है ना वन शॉट ही देखती हूँ. तो मैं सबसे पहले वन शॉट का एक लेक्चर देखूंगी. वन शॉट का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, जैसे वन शॉट का लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद फिर मैं जो लास्ट डे के नोट्स है वो प्लस वन शॉट के जो नोट्स है उनको देखती हूँ. बट पहले मैं स्टार्ट कैसे करती हूँ, लास्ट डे के नोट्स से रिविजन में स्टार्ट करती हूँ. पहले लास्ट डे के नोट्स से रिवाइज करती हूँ, देन जो इस साल के जो वन शॉट से मैं कंप्लीट कर रही हूँ वो जो उनके जो नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करती हूँ. तो दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में सर ने बहुत क्वेश्चंस करवा रखे हैं. लास्ट ईयर तरुण सर ने, एमडी सर ने बहुत क्वेश्चन करवा रखे थे, और इस साल जो है विपिन सर ने भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं. मतलब सर है ना, मैं यूरोप की लाइन एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सीरीज जो चल रही है ना उससे मैं अपना जो है पूरा बायोलॉजी कम्प्लीट कर रही हूँ. बिकॉज वो लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. अगर ट्रस्ट में अगर आप अगर ड्रॉपर्स हो और आपका लास्ट डे का बायोलॉजी आपने थोड़ी बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, लाइक अगर 360 का अगर पेपर दे अगर आपको अभी, तो आप 200 समथिंग अगर मार्क्स कर रहे हो ना, तो फिर आप वन शॉट देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो लेक्चर्स के ऊपर एंड आप गो फॉर दैट. आप इससे भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे. मैंने अपने लिए ये अप्रोच लगाई बिकॉज मैं लास्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ. सो इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी कंज्यूमिंग होगा और मतलब टाइम भी बच जाएगा मेरा एंड मेरा सारा चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. बिकॉज मुझे 2 months के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है लाइक, तो उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा. सो फर्स्टली मैंने क्या किया कि वन शॉट लेक्चर देख लिया, नोट्स लास्ट डे के रिवाइज कर लिए, इस साल की रिवाइज के लिए. अब इन दोनों नोट्स को रिवाइज करने में मेरा एक काम और हो गया, वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस का. क्योंकि लास्ट ईयर तरुण सर ने और हमारे जो लेक्चर्स थे उनमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे थे और मैंने क्या कर रखा था, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रखा है, तो मैं उसी में लिख देती. प्लस मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस एक और कहाँ से हो गए, एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए वो बताती हूँ मैं आपको. मैंने क्या कर रहा था लास्ट टाइम कि जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, लाइक मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स पढ़ा, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन लगाती थी तो मेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे. तो मैंने क्या करा है कि उन सभी क्वेश्चन को ना एनसीईआरटी के अंदर ही नोट डाउन कर रखे हैं. मतलब मैंने कोई अलग से कॉपी नहीं बनाई थी बट उसी के अंदर मैंने नोट डाउन कर रखे. इस वजह से जब जब मैं एनसीईआरटी को रिवाइज करती हूँ ना तब तब मैं उन क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेती हूँ. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी दो जगह से हो जाते हैं. देन फिर मैं जब मेरे को टाइम मिलता है, लाइक मेरे को बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता बिकॉज बायोलॉजी में एनसीईआरटी को रिवाइज करना होता है, नोट्स भी बहुत लेंदी होते हैं उनको रिवाइज करना होता है. सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनसीईआरटी ना वो बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है और जो बेसिक में पढ़ रही हूँ उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
ओके तो उनको समराइज वे में रखना, उनको ट्रिक्स याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरे भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हीं से हो जाते हैं। फिर बचे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने चाहिए मेरे को, देन मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन लगाती हूँ। तो अगर मैक्सिमम मैं मान के चलूँ ना कि एक चैप्टर में मैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ पर चैप्टर, अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट 200 समथिंग तो हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन में प्रैक्टिस आराम से कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे लास्ट एक नोट्स में क्वेश्चन है, मेरी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सर जो करवा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय सीरीज में उसमें क्वेश्चन है, प्लस मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इस टाइप से हो जाता है मेरा। सो ऐसे ही करते करते मेरा इवनिंग का जो है चाय का टाइम हो चुका था, फिर मैंने चाय पी, फिर रात को बैठी थी पढ़ने। मतलब आप सोच रहे होंगे पूरा जो लेक्चर है ना, मैंने 5 आवर का लेक्चर था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका 2-3 आवर का लेक्चर ही कंप्लीट किया था, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को, बिकॉज है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी, मैंने एनसीईआरटी भी रिवाइज करी थी बीच में, तो टाइम बहुत ज़्यादा चला गया। एंड देन फिर आई एम स्टार्ट एनिमल किंगडम, वही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज वाली। तो बेसिकली मैंने पूरे दिन में सिर्फ 2 चैप्टर करे थे और वो भी पूरे नहीं हुए थे, लाइक बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हाफ हुआ था मेरा, एनिमल किंगडम भी हाफ हुआ था मेरा। मे बी कल मैं कंप्लीट करूँगी, आई थॉट कंप्लीट तो मैं करूँगी नेक्स्ट डे। अब इसमें पता है क्या प्रॉब्लम हुई, पहले मैंने सोचा कि मैं छोटा लेक्चर अटेंड करती हूँ, मतलब दूसरे टीचर का मैं नाम नहीं लूँगी अच्छा लगता, तो किसी और टीचर का मैंने लेक्चर लगाया, बट मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब मेरे को इतना वो नहीं लगा कि हाँ यार एग्जैक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से समझा रहे हैं। तो मैंने पहले उनका लेक्चर लगाया, देन फिर आई डिसाइड कि छोड़ो अब अपन बायोलॉजी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली सीरीज से ही कंप्लीट करेंगे। फिर मैं उस लेक्चर पे गई और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, बिकॉज मैं मॉर्निंग में हमारे घर की सफाई करनी थी, तो उसमें मॉर्निंग में घर की सफाई वगैरह करी ना, तो इतना ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा था ना। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर अटेंड करा, लाइक 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर मैंने अटेंड किया था, दैट्स इट। एंड उसके बाद फिर मैं सो गई थी, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी 2-3 दिन से ख़राब ही चल रही है, मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था, बट स्टिल मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉग बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग यार, आप रेगुलर बेसिस पे मेरे व्लॉग्स देखते हो, कभी कभी व्लॉग्स अभी लंबे भी जा रहे हैं। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, पूरा दिन का शूट करना होता है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि इसे ज़्यादातर से ज़्यादा कंज्यूम करूँ, इस वजह से मैं ज़्यादातर अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताती हूँ, लाइक मैं क्या कर रही हूँ दिन में, बस स्टडीज बताती हूँ, बट फिर भी वो व्लॉग बहुत लंबा चला जाता है। आई नो, सॉरी फॉर देट, बट मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ट्राई करूँगी कि शॉर्ट मेरा जो व्लॉग है ना वो थोड़ा छोटा हो, ताकि आपको ज़्यादातर देखने की चीज़ें मिलें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं जो एक्स्ट्रा वर्क्स करती हूँ अदर लाइक स्टडीज़ के अलावा, वो भी आप देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, प्लीज़ कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सो इसी टाइप से तो कुछ था मेरा दिन पूरा आज का। आई नो प्रोडक्टिव नहीं था, मतलब लाइक 2 चैप्टर्स हुए हैं मेरे और मैं लेट भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट मैं 1 o'clock ही बैठी थी स्टडी करने, और